हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल IBPM दिल्ली NCR में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसके पास मेरे कंसिस्टेंट बहुत फ़ोन आते हैं कि सर कुछ स्टॉक में कोई स्ट्रेटजी बताइए, कुछ शेयर्स में ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिसको हम इंट्राडे काम कर सकें, जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत कम हो। अगर हम ऑफिस जाते हैं, हमारा बिजनेस है, उसके साथ हम कुछ करना चाहते हैं, प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें आपको बहुत कम समय देना होगा और आपको कंसिस्टेंट रेगुलर प्रॉफिट्स आएंगे, आपको हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट होंगे, दैट आई कैन गारंटी यू। बट दिस स्ट्रेटजी डिमांड सम स्पेशल डिसिप्लिन, सम फीचर्स विच यू नीड टू फॉलो, विच आई विल कीप ऑन टेलिंग यू इन दिस वीडियो। मैं आपको लगातार बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से रूल्स हैं और डिसिप्लिन हैं जो आपको फॉलो करने हैं और किस तरह हमें इस स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट होगा। ये स्टॉक की स्ट्रेटजी है, शेयर की स्ट्रेटजी है, प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है, कैसे इसमें काम करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, ये सब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है, और मैं इसका सारा आपको डेटा जनरेट करके भी दिखाऊंगा और उसको आप खुद भी डेटा जनरेट पास्ट डेटा देख सकते हैं कि किस तरह उस स्ट्रेटजी में लगातार प्रॉफिट जनरेट हुए हैं और कैसे उसमें आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट जनरेट होगा। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूं। ट्रेड का जो एंट्री टाइम रहेगा, जब आप ट्रेड में एंट्री करेंगे तो वो 9:30 बजे करेंगे, 9:30। बहुत ध्यान से रूल्स पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेड का एंट्री टाइम है 9:30 और ट्रेड क्लोजिंग टाइम है 3:15 PM। मतलब 9:30 बजे मुझे अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है और 3:15 पर मुझे अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है। सिंगल ट्रेड इन ए डे, एक दिन में केवल सिंगल ट्रेड रहेगी, केवल एक ही ट्रेड रहेगी, जिससे आप आराम से अपने ऑफिस का काम, अपनी जॉब का काम या कोई भी और काम आप कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन को समय देना है सुबह 10 मिनट, मॉर्निंग में केवल आप 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट्स ओनली, और आप इवनिंग में, आफ्टरनून में 3:15 पर भी केवल 5 मिनट मुझे दीजिए। बस मॉर्निंग में 10 मिनट और इवनिंग में 5 मिनट्स, यही आपको टाइम देना है। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में आपको कुछ टाइम नहीं देना है, आपको इस स्ट्रेटजी में कोई दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देती है। सुबह को 5-10 मिनट दीजिए और शाम को 5 मिनट दीजिए। इसके अलावा आपको पूरे दिन स्क्रीन को नहीं देखना है, स्क्रीन पर कुछ भी होते रहे आपको कुछ नहीं करना है। किस तरह उसका स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, किस तरह टारगेट डिसाइड होगा, मैं आपको सब अब समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको ऐसे शेयर सेलेक्ट करने हैं, पहला जो हाईली लिक्विड हो, लिक्विड मतलब जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो और जो अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड होते हो, जैसे इंफोसिस, रिलायंस, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर DBRs, PFC, REC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोई भी ऐसे शेयर्स जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होता है और जो काफ़ी अच्छे शेयर्स माने जाते हैं। सेकेंड, इस शेयर सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली उनका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड होने चाहिए और हाईली लिक्विड होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फिर से दे देता हूँ, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, TCS, इंफोसिस, टाटा मोटर, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं। अब इस शेयर में हमें किस तरह काम करना है, इस चीज को हम समझते हैं। इसके लिए देखिए, मैं एक सैंपल शेयर लेकर के आपको समझा रहा हूँ। ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं शेयर सिलेक्शन करके, और आप मेरे साथ रिसर्च का डेटा शेयर भी कर सकते हैं।
सबसे ज्यादा ट्रेडेबल स्टॉक रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस रही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी रिलायंस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे हम कोई से भी शेयर्स पर, जैसे मैंने आपको बताया हाईली लिक्विड होने चाहिए, फेमस स्टॉक्स होने चाहिए, उन पे आप काम कर सकते हैं। तो मैं अभी एक सैंपल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। तो मैं रिलायंस का शेयर यहाँ पर ले लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये देखिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक चार्ट यहाँ पर लगा दिया है और ये हम अभी मार्च में हैं। बहुत सिंपल है, इस चार्ट को कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप investing.com कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने investing.com लिया है और यहाँ पर आप अपने शेयर का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस पे कर रहे हैं तो हम रिलायंस ले लेते हैं। मैंने रिलायंस का शेयर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर आप चार्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर ये देखिएगा मैं चार्ट्स में गया, यहाँ पर आप कैंडल्स लगाइएगा और इसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। और जो वन डे कैंडल है इसको आप बोलेंगे 15 मिनट्स। इस कैंडल का साइज हम 15 मिनट का रखेंगे, 15 मिनट का रखेंगे। एक छोटी सी रिसर्च कर लेते हैं, लेट्स से मार्च की हम कर लेते हैं। हम लोग फरवरी से भी कर सकते हैं, जनवरी से भी कर सकते हैं। मैं वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा इसलिए मैं एक सैंपल मार्च से आपके लिए जनरेट करके दिखा रहा हूँ। एक प्रीवियस डेटा था कि अगर हम मार्च में इस स्ट्रेटजी में काम करते जो अभी महीना हमारा निकला है तो हमारी क्या पोजिशन होती। आप ये डेटा फरवरी, जनवरी, बाकी सारे पास्ट मंथ में भी कर सकते। देखिए तो मैं यहाँ पर 1 मार्च का ये है तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। आगे के डेटा को हम छुपा देते हैं जिससे हमें थोड़ा सा चेक करना आसान होगा कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ये देखिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ये हमारी 1 मार्च की सबसे पहली कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है जो हमने लगा दी है। बहुत सिंपल है, मैंने रिलायंस का शेयर लिया, 15 मिनट की कैंडल लगा दी। इसमें हमें क्या करना है, ये कैंडल 9:15 से 9:30 की है। हमें इस कैंडल के कलर को देखना है कि इस कैंडल का कलर क्या बन रहा है। अगर इस कैंडल का कलर रेड बन रहा है तो हम इस शेयर को सेल करेंगे और अगर इस कैंडल का कलर बाई बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, तो हम इस शेयर को बाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इस शेयर को यहाँ पे सेल करता हूँ तो सेल का प्राइस आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस पे आपको हमेशा मिलता है 2101। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमने 1 मार्च को सेल किया 2101। हमने 2101 पे सेल किया है तो हमें इसका एक स्टॉप लॉस रखना होगा और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अप्रोक्स 1%। अगर आप देखें 2101 रुपए का शेयर है तो इसका स्टॉप लॉस बनता है 21 रुपए। मैं इसको 20 पॉइंट रख लेता हूं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हमने ये 2101 रुपए पे बेचा है तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 2121 रुपए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पूरे दिन में 2121 आया है। अब हम रिसर्च कर रहे तो हम चेक करेंगे। अब अगर ये 2121 आ गया है, 2121 का रेट आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारी आज की ट्रेड खत्म हो जाएगी और हम अपने डेटा में लिखेंगे -20। एक सैंपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 100 शेयर्स पर काम कर रहे हैं। लेट्स से हमने चूज किया कि हम रिलायंस के 100 शेयर्स पर काम करें। तो आप देख सकते हैं 100 शेयर्स जब मैं इसके सेल कर रहा हूं 2121 का इसका स्टॉप लॉस है। और इसके साथ अगर इसका स्टॉप लॉस नहीं आता, देखिए आप 3:15 तक दो चीजें होंगी, या तो इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा या इसका कुछ नहीं होगा, स्टॉप लॉस नहीं आएगा। उस केस में 3:15 पर, ध्यान से सुनिएगा, 3:15 पर इसका जो भी रेट हो, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, आप इस ट्रेड को स्क्वायर आउट कर देंगे, इस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सुबह सुबह
यहाँ सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे, 9:25 पे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और चैंडल लगाइए, और 9:30 पे सिर्फ 5-7 मिनट का समय दीजिए, शेयर को सेल कर दीजिए और इसका स्टॉप लॉस डाल दीजिए 2121। अब अगर ये रेट आ गया तो ये बाई हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, और अगर 2121 नहीं आया तो जो भी रेट हो 3:15 पर उस पर इसको खरीद लीजिएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती है, लगातार ये प्रॉफिट देती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 2121 आया है। तो देखिए जब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये 2121 आया है, तो अब हम चेक करते हैं, देखिए 2101 रुपये पर बेचा है। अब हम देखेंगे 1 मार्च को क्या इसका रेट 2121 गया है, तो चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 1 मार्च को लाइव मार्केट चल रहा है, अब देखते हैं, देखिए 2121 अगर इसका रेट गया तो इसका स्टॉप लॉस कट जाएगा, अदरवाइज 3:15 पर जो भी रेट होगा हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो वी आर वेटिंग कि 2121 रेट गया है कि नहीं गया है। देखिए अभी इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा है, अभी ये ट्रेड ऑन है, अभी भी ये ट्रेड चल रही है। देखिए 2100 रुपए का हाई बना करके आया, आप देख सकते हैं यहाँ 2100 रुपए का हाई बना के आया है, हमारा स्टॉप लॉस है 2121। 2121 अभी नहीं गया है, तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या ये 2121 गया है। वी आर वॉचिंग, अभी भी ये देखिए नहीं गया है, 2103 गया है, और ये देखिए 3 बजे हैं ये यहाँ पर, इसका मतलब 3:15 पर इसका रेट है 2102। आप देख सकते हैं 2102 2103 का अप्रोक्स रेट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2103 फॉर एग्जांपल। अब इस दिन देखिए ना मुझे टारगेट मिला ना ही मुझे स्टॉप लॉस मिला, इस पूरे दिन को आप देखिए, मुझे ना टारगेट मिला ना ही स्टॉप लॉस मिला। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेल किया था और यहाँ ना मुझे टारगेट मिला पूरे दिन, ना ही मुझे स्टॉप लॉस मिला, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए जो भी रेट था 3:15 पर उस पर मैंने इसको कवर कर दिया है 2103 रुपये पर, और इस दिन मुझे 2 पॉइंट का लॉस लगा है, मतलब 200 रुपये का लॉस लग गया है, क्योंकि मैं 100 शेयर पर काम कर रहा हूँ। इसका एक शेयर की फॉर्म में भी डेटा बना लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा मनी की फॉर्म में, क्योंकि हम 100 शेयर्स पर काम कर रहे हैं, तो ये 100। एक्सेल बहुत इजी बना देता है हमारे ट्रेडिंग पैटर्न को, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हम एक्सेल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ट्रेडिंग पैटर्न में, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये देखिएगा इस दिन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको भी बोला, तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने में, यहाँ हमें 200 रुपये का लॉस लग गया है। अब हम अगले दिन ट्रेड करेंगे, लॉस लग गया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप इस पर कंसिस्टेंट ट्रेड कीजिएगा। और पोजीशन साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइज ऐसा रखिए जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा पोजीशन साइज रखिए। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर, आप देखिए जो पोजीशन साइज है मैंने 100 शेयर्स का रखा है, वो 100 शेयर का जो पोजीशन साइज है वो इसलिए रखा गया है एक सैंपल लेने के लिए, जिससे अगर स्टॉप लॉस का साइज कम है तो आपको बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं आते हैं। अगर यही आपके 2000 शेयर कर देता हूं मैं या 1000 शेयर कर देता हूं, तो क्योंकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस केस में आपके एक दिन में 20,000 रुपए का लॉस हो सकता है, जो कि मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक दिन में 20,000 का लॉस ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमें जो शेयर्स का साइज है वो हमेशा ऐसा रखना है कि अगर स्टॉप लॉस कटता है तो हमें कुछ दुख ना हो, हमें कुछ दर्द ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अल्टीमेटली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस आ सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है, स्टॉप लॉस आते हैं तो यू शुड बी हैप्पी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और आपका अकाउंट प्रोटेक्ट होता है तो आपको पैसे आते हैं। अब हम चलते हैं 2 मार्च को, जब हम बात करते हैं 2 मार्च की, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 मार्च की कैंडल हम फिर से लगा लेते हैं। ये देखिए 2 मार्च की पहली कैंडल बन गई है,
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेड कैंडल बन रही है, और रेड कैंडल बन रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि ये रेड कैंडल बन रही है तो हम 2110 रुपए पर इसको फिर से सेल करेंगे। और इस बार मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 1%, मतलब 20 रुपए, 21 रुपए बनता है, मैं 20 रुपए ले रहा हूँ, तो इस बार मेरा स्टॉप लॉस है 2130। मतलब अगर ये 2130 रुपए आया तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, और अगर 2130 नहीं आता है तो जो भी रेट है शाम को मैं उस पर बाय कर दूँ। तो अब इसे हम फिर से चेक करते हैं कि क्या ये 2130 आया है। तो देखिए, अब मैंने सेल किया तो हम चेक करेंगे, 2127 और 2130 आ गया। देखिए, ये मैंने 9:30 बजे ट्रेड बनाई और 10 बजे स्टॉप लॉस कट गया। 9:30 बजे ट्रेड बनाई, 10 बजे स्टॉप लॉस कट गया, फिर से 20 पॉइंट का लॉस हो गया है। और आप देखिए, आज मुझे फिर 2000 रुपये का लॉस लग गया। अब हम 3 मार्च को फिर से काम करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, इसमें काम करते रहना है। और काम आप कब कर पाएंगे, जब आपका पोजीशन साइड ठीक है। यही आपके 1000 शेयर होते तो आपको 20,000 रुपए का लॉस लगता, हो सकता है आप अगले दिन काम नहीं करते, आप डर जाते हैं, क्योंकि पोजीशन साइड ज्यादा होने पे आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं। मेरा ये कहना है, आपको 1000 शेयर करने हैं तो आप 100 100 शेयर 10 अलग अलग शेयर में ट्रेड कीजिए, जिससे कहीं प्रॉफिट आएगा तो कहीं लॉस आएगा, तो आपको बहुत अच्छा हेजिंग मिलेगी। अब चलते हैं 3 मार्च। तो देखिए, 3 मार्च की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो 2 मार्च तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया। अब हमें पूरे दिन कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस कट गया, दिन खत्म, बाजार से कुछ नहीं भिड़ना है, आप अपने काम में लग जाइए। सिर्फ 9:30 बजे सौदा मारिए, स्टॉप लॉस स्क्रीन पे डाल दीजिए, 9:30 बजे सौदा मार के सीधा 3:15 बजे देखिए, या तो स्टॉप लॉस कटेगा या टारगेट आएगा, दो ही काम होंगे। अब हम चलते हैं 2 मार्च के बाद, मेरे पास अगला दिन आएगा 3 मार्च, और देखिए 3 मार्च को मेरे पास ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं इसको बाई करूंगा 2132 रुपये पे। तो मैंने इसको बाई कर लिया 2132 रुपये पे, और इस बार मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 2112। अब देखते हैं कि क्या है? मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या इसने 2112 का लो बनाया है। और जब हम देखते हैं कि इसने 2112 का लो बनाया कि नहीं, तो आंसर है यस, मेरा फिर से स्टॉप लॉस कट गया है और मेरे फिर से 20 पॉइंट का लॉस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते रहिए, जैसा मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम चौथे दिन चलते हैं, 4 मार्च को ट्रेड करते हैं। ये मैं रिलायंस ही नहीं, आप जो मैंने अच्छे शेयर से आपको बताया, वॉल्यूम बेस्ड कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस पे आप सारे सब में आपको पैसे आएंगे, क्योंकि मैंने सैंपल के लिए रिलायंस लिया है। अब हम चलते हैं 4 मार्च को। अब देखिए, 4 मार्च की हम बात करते हैं, तो ये देखिएगा 4 मार्च की पहली कैंडल आप देख रहे हैं, ये देखिए इस कैंडल को डिसाइसिव नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये ग्रीन है या रेड है, डोजी टाइप बनी है। इस केस में आप अंडे अवली कैंडल का वेट कीजिए, अगर डोजी बन रही है मतलब ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम है क्लोजिंग एंड ओपनिंग के, तो आप अगली कैंडल का वेट कीजिए। अगली कैंडल देखिए रेड कैंडल बनी है, क्लियरली दिख रही है, तो आप इसको सेल करेंगे 2167। देखिए, मैं इसको फिर से सेल करने जा रहा हूँ 2167, तो मैं इसको 2167 पे सेल कर दिया है, और इसको सेल किया है तो इसका स्टॉप लॉस होगा 2187। अब चेक करते हैं कि क्या ये 2187 आया है, क्या ये इस दिन 2187 आया है। 4 मार्च को चेक करते हैं, मैंने सेल किया तो मैं हाई चेक करूंगा, 2187 का हाई बनाया है या नहीं बनाया है। तो देखिए, अभी तो मुझे कोई 2187 का हाई नहीं दिख रहा है, दिख गया, देखिए 2187, ये देखिए 2187 चला गया, मेरा फिर से स्टॉप लॉस कट गया है, मेरा फिर से स्टॉप लॉस कट गया है फ्रेंड्स। और आज अगर हम देखें तो हमारा फिर से 2000 का लॉस कट गया। ये देखिए, हमने 3 दिन काम किया, तीनों दिन हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है, आप देख सकते हैं तीनों दिन हमारा स्टॉप लॉस कट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेल किया है तो यहाँ पर मेरा फिर से स्टॉप लॉस इस दिन कट गया है, मेरे लगातार 4 दिन स्टॉप लॉस कट गए। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी निगेटिविटी आने लगती है, आपके इमोशंस आने लगते हैं कि पता नहीं स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, मैं इस पे काम करूँ ना करूँ। इसका एक ही तरीका है जो मैं बार बार कहता हूँ, वो है पोजीशन साइज। आप पोजीशन साइज ऐसा रखिए कि आपको स्टॉप लॉस का फर्क ना पड़े, और अगर आपका पोजीशन साइज ऐसा है कि आपको स्टॉप लॉस का फर्क नहीं पड़ता, तो आपको मार्केट में पैसे 100% आएंगे। आप देखिए, अगर यही पोजीशन साइज 1000 है तो आपके ये 60-65 हजार रुपए लग गए हैं 4 दिन में, और हो सकता है आप ट्रेड ना करें।
लेकिन यही पोजीशन साइज का मेथड अपडेट करते रहेंगे, आप डाइवर्सिफाई कीजिए, आप बहुत सारे शेयर्स में काम कीजिए। अब चलते हैं 5 मार्च का। अब हम 5 मार्च का देखते हैं कि 5 मार्च को इसने मुझे क्या ट्रेड दी है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर 5 मार्च की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये है 5 मार्च और इस दिन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम बाई करेंगे 2185 पे हम बाई करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, मतलब 2165। अब चेक करते हैं कि आज भी मेरा स्टॉप लॉस आ गया, कि आज भी मेरी किस्मत खराब है। लोग ऐसी बातें सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत वगैरह कुछ नहीं है, आपको अपने रूल्स फॉलो करने। हो सकता है स्टॉप लॉस आ जाए आज भी, आ सकता है, बट आपको अगले दिन फिर ट्रेड करना होगा। अब देखिए, चेक करते हैं क्या इसने 2165 का लो बनाया है। 2168 अभी तो लो नहीं बना है, वी आर वेटिंग 2165 का लो बना है या नहीं बना है। अभी हमारी ट्रेड ऑन है, अभी भी हमारी ट्रेड ऑन है। 2167 का लो बना है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, अभी भी 2165 नहीं गया है, 2166 गया है, अभी भी नहीं गया है। और ये देखिए, यहाँ पर ना ही मेरा स्टॉप लॉस आया है, कुछ नहीं हुआ है, तो मैं 3:15 पे ट्रेड को स्क्वायर अप कर दूंगा 2180, मतलब 2185 को हम 2180 पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस नहीं आया है, ना ही टारगेट आया है, ना ही मेरा स्टॉप लॉस आया है। देखिए, यहाँ पर मुझे फिर से 500 रुपये का लॉस लग गया। ये पोजीशन जो होती है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कुछ लोगों के लिए, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, उनको लगता है यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये स्ट्रेटजी सही है नहीं है, पता नहीं इस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है, पता नहीं इस स्ट्रेटजी में लॉस हो रहा है। कुछ नहीं, काम करते रहिए। काम आप कब कर पाएंगे, जब पोजिशन साइड ठीक है। अगर पोजिशन साइड बढ़ा है तो दिक्कत होगी। अब हम चलते हैं 8 मार्च को, फिर से 8 मार्च के दिन आ जाते हैं। अब जब 8 मार्च पर हम पहुँचते हैं, तो देखिए 8 मार्च की पहली कैंडल है ये, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। फिर से बाई करेंगे 2211 और मेरा स्टॉप लॉस इस बार क्या होगा, 20 पॉइंट्स। तो लेट्स चेक कि क्या ये इससे 20 पॉइंट्स, मतलब क्या ये 2191 गया है। लेट्स चेक, क्या ये 2191 गया है, यस और नो। तो देखिए, अभी तो हमें नहीं दिख रहा है ये 2191 गया हुआ, अभी तक 2191 नहीं गया, 2193 गया, 2192 गया है, बट 2191 नहीं गया है, जो हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी भी ट्रेड ऑन है और ये चला गया। देखिए, फिर से स्टॉप लॉस हमारा कट गया है 8 मार्च को। तो आप देख सकते हैं 8 मार्च को फिर से हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया। अगेन आप देखिए, हमें फिर से लॉस लगा है, आप देख सकते हैं। अब हम 9 मार्च को, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड पोजीशन हो जाती है बहुत लोगों के लिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ कई लोगों को लगता है कि यार ये स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, ये स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। देखिए, मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा और मैथमेटिक्स का गेम है। अभी क्या हुआ है कि आपको 4-5 दिन लगातार लॉसेस आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको प्रॉफिट्स भी आएंगे। आप कंसिस्टेंट काम करते चलिए, आप रुकिए मत, प्रॉफिट जरूर आएंगे, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी पर काम करते जाना है। अब हम चलते हैं 9 मार्च को। अब आप इसमें कोई सा भी शेयर ले सकते हैं, ये मैं सिर्फ एक सैंपल के लिए आपके सामने लिया है। तो अब हम 9 मार्च को चलते हैं और 9 मार्च को देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, 9 मार्च को ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं बाई करूंगा 2205। तो 2205 पे हम बाई करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स अगेन 2185। सो लेट्स चेक, क्या 9 मार्च को 2185 आया है। सो अभी तो नहीं आया है। और ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 2185 फिर से आ गया। 2205 पे हमने बाई किया और इसने लो बनाया है 2185। यस, माय स्टॉप लॉस अगेन हिट, फिर से मुझे 20 पॉइंट का लॉस लग गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को फिर से एक लॉस आया है। अब देखिए, इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, जब भी आपका MTM मार्क टू मार्केट स्टॉक का 5% आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं जिस स्टॉक का 5% बनता है अप्रोक्स 100, तो
तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे 100 पॉइंट का लॉस आ चुका है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको इसका रामबाण बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको स्टॉक का 5% का लॉस आ जाए, आप स्टॉक की क्वांटिटी अपनी डबल कर दीजिए। मतलब यहाँ से आप ट्रेड कीजिए सीधा 200 शेयर्स, यहां से आप सीधा 200 शेयर ट्रेड कीजिए। और मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि यहां से 200 शेयर इसलिए ट्रेड करूंगा मैं, इस जगह से मैं इसको येलो कर देता हूं कि यहां से मैं 200 शेयर इसलिए ट्रेड करूंगा क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी मेरी साइड आएगी। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखें तो लगातार प्रोबेबिलिटी अभी तक मेरे फेवर में नहीं गई है, अब प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। मतलब मैंने लॉस कम वॉल्यूम पे लिया है लेकिन मैं प्रॉफिट ज्यादा वॉल्यूम पे लूंगा। अब देखिए हम चलते हैं 10 मार्च। तो देखिए जब हम 10 मार्च के ट्रेड को देखते हैं कि 10 मार्च को हमारा क्या पोजिशन होगी, चेक 10 मार्च। देखिए 10 मार्च की पहली कैंडल बन रही है रेड कैंडल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं 2200 पे सेल करूंगा, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे 2200। यहाँ पर मैंने सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस इस बार क्या होगा, 2220। लेट्स सी क्या ये 2220 आया है। अब चेक करते हैं क्या ये 2220 आया है। तो देखिए अभी तो नहीं आया है, और अभी नहीं आया है, अभी मैं ट्रेड में ऑन हूँ तो अभी ट्रेड ऑन है। ये देख सकते हैं आप 2220 नहीं आया है, ट्रेड चल रही है, 2220 नहीं आया है, लेकिन 3:15 हो रहे हैं। तो मैं इस ट्रेड को इसको आरम्भ करूंगा 2182 रुपये पे, आप देख सकते हैं 2182। तो हम इसको 2182 पर बाई करेंगे, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं 2220 पे मुझे सेल करना है और 2182 पे मैंने इसे बाई किया। अब खास बात देखना, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो डबल वॉल्यूम पे आ रहा है, और मैंने वॉल्यूम डबल क्यों किया है उसका भी रूल बताया। जब भी स्टॉक का 5% का आपको लॉस आ जाता है, आप वॉल्यूम को अपने डबल कर दीजिए। अब वॉल्यूम डबल तब होगा जब आप पहला वॉल्यूम ऐसा मांगते हैं जिससे आपको फर्क ना पड़े। 100 शेयर है, सीधा 200 शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम 12 मार्च। अब जब हम 12 मार्च की बात करते हैं, देखिए मैं 12 मार्च पे अब जा रहा हूँ। 12 मार्च का जो पहला कैंडल बन रही है, 10 मार्च को अभी हमने लिखा था, हम 12 मार्च की बात कर रहे हैं। पहली कैंडल रेड कैंडल बन रही है, तो मैं सेल करूंगा 2188 पे। तो 2188 पे सेल कर रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। तो इसका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है 2208। तो लेट्स चेक क्या ये 2208 आया है, यस और नो। तो अभी तक तो नहीं आया है, 2208 का वेट है, अभी नहीं आया है। ट्रेड इज ऑन, ट्रेड अभी भी ऑन है, आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं हुआ है। और ये देखिए 3:15 बज गए, स्टॉप लॉस नहीं आया, तो मुझे ट्रेड को काटना होगा। मेरे ट्रेड के स्क्वायर का समय हो गया 2136। तो इसको जो हमने सेल किया है, इसको हम 2136 पे बाय बैक करेंगे। और ये देखिए अगेन इस दिन में मुझे प्रॉफिट आया है 10,400 रुपये का। अब 15 मार्च को चलते हैं, ना मैंने ट्रेड ऑन 15 मार्च। तो जब हम 15 मार्च की बात करते हैं, तो देखिए पहली कैंडल जो 15 मार्च को बन रही है वो रेड बन रही है। मैं अपने रूल के हिसाब से इसको सेल करूंगा। तो देखिए हम सेल करने जा रहे हैं 15 मार्च को 2116 रुपये पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2136। 2136 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आई एम सर्चिंग माई स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस आया है, क्या ये 2136 गया है। तो आंसर इज नो, देखिए अभी तक नहीं गया है। और जब हम देखते हैं, ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं, 2136 नहीं गया है, बट हाँ ये 3:15 बजे इसका रेट है 2107। तो मैं इस रूल के हिसाब से इसको 2107 पे इसको मैं बाय कर दूंगा। अब हम चलते हैं 16 मार्च को। जब हम 16 मार्च की बात करते हैं, तो देखिए 16 मार्च की जो पहली कैंडल है, आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम बाई करेंगे 2116। तो 2116 पे हम लोग बाई करेंगे। तो मैं बाई करने जा रहा हूँ 2116 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, मतलब 2096। सो लेट्स सर्च क्या वो 2096 गया है। 2097 तक गया है, 2096 अभी नहीं गया है।
आई एम वेटिंग कि क्या ये गया है या नहीं। 2097 फिर गया है, अभी भी 2096 अभी भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं 2096 नहीं आया है, और ये देखिए 2096 अब सिक्स ऑलमोस्ट आ गया। इसको स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं, स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर, तो ये मेरा स्टॉप लॉस कट गया, आप देख सकते हैं। अब हम 17 मार्च को फिर से ट्रेड करेंगे। मैं आपको ये पूरा थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ जिससे आप कर सकें, आप भी जरूर ये रिसर्च कीजिएगा। या आप सेल करेंगे 2095, तो मैंने 17 मार्च को 2095 पे सेल करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2115। तो 2115 आई एम सर्चिंग आता है कि नहीं, देखिए अभी नहीं आया। यहाँ से मुझे पूरा ट्रेंड मिल गया है, बाजार नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें स्क्रीन का समय नहीं है, आप 9:30 बजे ट्रेड लगाइए, सीधा 3:15 बजे स्क्रीन पे आइए, स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए। 2054 का रेट है, तो इसको हम बाय करेंगे 2054 पे। तो अब आप देख सकते हैं जो हमें धीरे धीरे प्रॉफिट्स आने लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम इस समय अपनी पोजीशन देखें तो 10, ये देखिए इस समय हमें ओवरऑल 13,300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आगे करके देखते हैं इस महीने में क्या हमारी पोजीशन बनती है। तो लेट्स गो टू 17 मार्च हमने देख लिया है, 18 मार्च पे चलते हैं। देखिए ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल जैसे मैंने आपको बताया अगर डाउटफुल है, डोजी टाइप बन रही है, डोजी कैंडल बन रही है, तो अगली कैंडल देखेंगे। अगली कैंडल क्लियर मुझे रेड दिख रही है, तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे 2070। तो मैं यहाँ पर 2070 पे सेल करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 20.2090, 1% के हिसाब से। अब सर्च करते हैं क्या 2090 आया है, तो देखिए नहीं आया। वाओ, ऐसे दिनों का हमें इंतजार है, यही वो दिन है जिनका हमें इंतजार रहता है, पेशेंस रहता है, जो मैं आपको शुरू से बता दूं। देखिए मुझे ट्रेंड मिल रहा है यहाँ पर, ये सेल होता जा रहा है, और ये देखिएगा ये सेल हो गया। यहाँ पर 2014 पे हम इसे बाई बैक करेंगे, तो 2014 पे मैंने बाई किया। अब 19 मार्च को चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 19 मार्च की अगर हम बात करें, मैंने कुछ तेज करके दिखाया, आप इस काम को करते रहिएगा। 1989 पे हम सेल करेंगे, तो अप्रोच 1990 का रेट है, 1990 पे सेल करेंगे। 2010 का इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखते हैं कि 2010 आया नहीं आया है, तो ये आ गया है, स्टॉप लॉस कट गया है, तो इसका हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। 2010 ये हमारा स्टॉप लॉस कट गया है। अब 22 तारीख पे चलते हैं, लेट्स गो टू 22 मार्च। 22 मार्च की अगर हम बात करते हैं, 19 तारीख को अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सीधा 22 मार्च को जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ रिसर्च आप खुद करें, जनवरी महीना, फरवरी महीना, दिसंबर महीना। आप देखिए 22 मार्च को हम सेल करेंगे, बहुत सिंपल है। 2056 पे सेल किया, स्टॉप लॉस हो गया आपका 20 पॉइंट्स, नहीं आया है। देखिए स्टॉप लॉस अभी भी नहीं आया है, तो हम 3:15 बजे जो भी रेट होगा क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं आया, उस पर कवर करेंगे, और रेट है 2066। तो 2066 रेट पे हम इसको कवर कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टू 23 मार्च की बात कर लेते हैं, एक दो दिन और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको देखिए बाई की ट्रेड बने, तो आप बाई करेंगे 2078, और स्टॉप लॉस इसमें अभी नहीं आया है। 2078 का स्टॉप लॉस अभी हमें नहीं मिला है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग। सो ये आप देखिए 2085 पे, 2078 पे बाई करके हम इसको 2085 पे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 24 मार्च, जब हम 24, एक दो दिन और करके दिखा देता हूँ, मार्च आप पूरा कर सकते हैं, मैं एक दो दिन कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं। 24 मार्च को आप सेल करेंगे 2065, तो आप 2065 पे इसको सेल कीजिए, और स्टॉप लॉस हो गया है आपका 20 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस 2065, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अभी हमें नहीं मिला है, और ये आप देख सकते हैं 2045 पे इसको हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर 2045 पे मैंने इसको कवर कर दिया, एक दिन और ले लेते हैं, बाकी आप रिसर्च खुद करके मुझे बताना वीडियो में कि 25 मार्च बहुत बड़ी रेड कैंडल है, सेल करेंगे 2025 पे सेल करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस नहीं आया है, 2025 पे जो मैंने सेल किया है इसको हम सीधा कवर करेंगे 1987। तो 2025 पे जो हमने सेल किया है इसको 1987 पे हम कवर करेंगे। ये मैंने कुछ सैंपल्स आपको लेकर के दिखाया, आप देखते हैं हमारी क्या पोजीशन होगी। जब भी हमें 5% का एंटर्म आया, हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया है। अब जैसे ही ये 5% का एंटर्म मुझे वापस मिलेगा, तो हम देखिए ये देखिए कैसे हमें पूरे पॉइंट्स वापस मिल गए हैं, 211 पॉइंट्स हमें वापस मिल गए हैं।
तो अब आप देख सकते हैं ओवरऑल, अगर मार्च के महीने में मैं काम करता 25 मार्च तक, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, तो हमें 31,500 रुपये का प्रॉफिट है। लाइव मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी के दिन भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे ये प्रॉफिट हमें आ गया, तो आप फिर से अपने शेयर को 200 से 100 कर दीजिए, वापस 100 कर दीजिए। फिर जैसे ही M2M आए, आप फिर 200 कर लीजिए। फिर जैसे ही पैसे आए, फिर 100 कर दीजिए। बहुत खूबसूरत ये स्ट्रैटजी है, कंसिस्टेंट पैसे देती है, मैंने आपको पूरा समझाया है। मेरे रिक्वेस्ट है, आप इसमें खुद रिसर्च कीजिए, खुद शेयर्स पिक कीजिए, मंथली कैलकुलेट कीजिए। कंसिस्टेंट पैसे देती है, पूरे साल पैसे देगी, जिंदगी भर पैसे देगी। इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। पहला ये कि हो सकता है कोई कोई महीना आपका 0-0 टाइम निकले जिसमें आपको कोई पैसे ना आए, उसके बदले कोई महीना ऐसा भी निकलेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ओवरऑल जब आप एवरेज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसे आएंगे। तो मैं फिर से स्ट्रेटजी को रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रेगुलर प्रॉफिट्स देगी। 3 रूल हैं, ट्रेड एंट्री टाइम 9:30 बजे, ट्रेड क्लोजिंग टाइम 3:15 बजे। पहली कैंडल देखेंगे, जो भी पहली कैंडल का कलर है उसके हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। स्टॉप लॉस 1% का रखेंगे, टारगेट 3:15 पर रखेंगे। सुबह 5 मिनट देने हैं, शाम को 5 मिनट देने हैं, उसके अलावा देख लेंगे। ये मैंने आपको बहुत सुंदर स्ट्रेटजी दी है, इस पर काम कीजिए। इसमें कुछ भी डाउट्स हैं आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, मुझसे पूछिएगा। आप मेरे बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप इस पर मेल कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, माई टीम विल बी हैप्पी टू आंसर यू। सो गाइस, ट्यून इन रहिएगा, चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनको नॉलेज मिल सके मार्केट के बारे में, उनको पता चल सके कि किस तरीके से मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। आने वाले समय में मैं ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज और अपने वर्षों का अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। IBBM डेली NCR पर आपको नॉलेज मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। So thank you very much friends, I am signing off for today, your host Anuj Gaur, thank you.